हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डॉग्स पालने के शौकीन हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आप ही के लिए है। डॉग्स यानी मनुष्य का सबसे वफादार साथी। आज हम डॉग्स की 15 ऐसी प्रजाति के बारे में बताएंगे जो अपने मालिक के प्रति सबसे वफादार रहती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थान पर आता है अकीता प्रजाति का डॉग। अमेरिकन कैनल क्लब के मुताबिक डॉग ब्रीड सबसे ज़्यादा लॉयल और सदा अपने परिवार के साथ रहती है। अकीता जापान नस्ल का डॉग है जो अपने मालिक का पूरा सम्मान करते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अकीता दुनिया की सबसे ज़्यादा वफादार नस्ल है। तो दूसरे नंबर पर है गोल्डन रेट्रीवर, जो आप में से काफ़ी लोगों के पास घर पर होंगे। गोल्डन्स भी अमेरिकन कैनल क्लब के मुताबिक फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, स्वीट और अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार रहती है। तीसरे नंबर पर आता है जर्मन शेफर्ड। भारत में यह नस्ल काफ़ी आम नस्ल है जो एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रजाति है और काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की जाती है। जर्मन शेफर्ड, आप लोगों ने इस ब्रीड को अधिकतर पुलिस और मिलिट्री के पास देखा होगा। दरअसल यह सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि यह काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है और उनके कारनामे भी देखे होंगे। मिलिट्री और पुलिस जर्मन शेफर्ड पर आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो चौथे नंबर पर आता है बिगेल, छोटे साइज का प्यारा सा बिगेल नस्ल का डॉग। काफ़ी फ्रेंडली होता है, कहा जाता है ऐसा कम ही होता है कि बिगेल प्रजाति कभी एग्रेसिव और वॉयलेंट हो, लेकिन उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है और वो हाउलिंग के लिए जाने जाते हैं। पांचवें नंबर पर है कोलीज नस्ल के डॉग, जो काफ़ी प्रसिद्ध डॉग नस्ल है। कोलीज नस्ल लेजी डॉग का नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। अमेरिकन कैनल क्लब को इस ब्रीड पर भी फख्र है और वो अमेरिकन कैनल क्लब के लिए स्टफ ऑफ लीगेंड्स माने जाते हैं। तो छठे नंबर पर है बॉक्सर नस्ल के डॉग, जो काफ़ी बड़े और नासमझ होते हैं। बॉक्सर बच्चों के साथ फ्रेंडली, सबरीले और अलर्ट डॉग ब्रीड है। सातवें नंबर पर आता है सेंट बर्नार्ड, जो काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है और आकार में भी बड़े होते हैं। अगर बच्चे और दूसरे पालतू जानवर हो तो काफ़ी प्लेफुल चार्मिंग डॉग होती है। इसके बाद आठवें नंबर पर है ग्रेट पायनीज, जो कि शानदार नस्ल है। जैसे कि इनको देखने से ही लगता है यह नस्ल क्यूट और काफ़ी शांत स्वभाव की होती है और बेस्ट फैमिली डॉग होते हैं। नौवें नंबर पर है लैब्राडोर रेट्रीवर। भारत में यह नस्ल आम नस्ल है, हर घरों में आपको लैब्राडोर देखने को मिल सकता है और इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं। अपनी इंटेलिजेंट तक की बदौलत यह मशहूर डॉग सर्च ऑपरेशन में हमारी फोर्सेस के पास भी पाया जाता है। छोटे बच्चों के साथ भी इस नस्ल का व्यवहार काफ़ी शानदार है। दसवें नंबर पर है डोबरमैन। अक्सर पुरानी बॉलीवुड मूवीज में इस डॉग को काफ़ी एग्रेसिव दिखाया जाता है। दरअसल डोबरमैन को अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी फैमिली डॉग हो सकती है। अपनी फैमिली के साइड से काफ़ी फेथफुल और अलर्ट होते हैं। अगर इनकी फैमिली मेंबर को कोई टच भी करता है तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। ग्यारहवें नंबर पर है टैच सुंड, जिसको वायनट डॉग भी बोला जाता है। दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन बिहेवियर में बिग डॉग जैसे होते हैं। यह नस्ल फ्रेंडली और अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करती है। इसके बाद बारहवें नंबर पर है इरिस वॉल्फ हुंड। ओहो, इसके साइज में मत जाए, यह विशाल डॉग काफ़ी काइंड और शांत होते हैं और इसकी फेथफुलनेस इनको बेस्ट फैमिली डॉग बनाती है। तेरहवें नंबर पर है रोटवाइलर। यह नस्ल भी भारत में आम
नस्ल है, लेकिन भारत में इसको काफी एग्रेसिव माना जाता है, जैसे कि डॉबरमैन को। उसी तरह अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो यह नस्ल भी बेस्ट फैमिली डॉग होती है। मेनली इनको यूज किया जाता है एज ए गार्ड डॉग। 14वें नंबर पर है चाइनीज सापी। दिखने में काफी शांत और लविंग यह डॉग बेस्ट फैमिली डॉग और साथ ही बेस्ट गार्ड डॉग भी माने जाते हैं। अब बारी है हमारे अंतिम और 15वें नंबर की डॉग नस्ल के बारे में, जिसका नाम है डॉग ची चुआ। काफी छोटे साइज का यह डॉग एक बड़े डॉग जैसे एटीट्यूड में रहता है। ये काफी चार्म, ग्रेसफुलनेस और अपनी फैमिली के प्रति काफी डिवोशन होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।